नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन सीएमओ के स्थानांतरण पर विदाई सम्मान समारोह का किया आयोजन। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन के नगर परिषद बाड़ी सीएमओ हरिशंकर वर्मा स्थानांतरण नगर परिषद बरेली हो गया है। स्थानांतरण हो जाने पर उनके सम्मान में नपा सभा कक्ष में नपा उपाध्यक्ष सुरेश पाल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी, पूर्व नपा उपाध्यक्ष अनिल सोनी, पार्षद मोनिका राकेश वर्मा, पार्षद प्रतिनिधि होशियार सिंह ठाकुर, रघुवीर सिंह ठाकुर, दीपक यादव, अमित साहू, दिनेश शिल्पी, तुलाराम कुशवाहा सहित नपा कर्मचारियों द्वारा विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विदाई सम्मान समारोह की अध्यक्षता नपा उपाध्यक्ष सुरेश पाल ने की। इस मौके पर आयोजित सम्मान सह विदाई समारोह में सीएमओ वर्मा को शॉल, श्रीफल, गुलदस्ता उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नपा उपाध्यक्ष सुरेश पाल ने अपने संबोधन में सीएमओ वर्मा के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि वर्मा जी ने 3 वर्ष 3 माह की सेवा अवधि में नगर की सतत सेवा की है। कोरोना काल जैसी विकट परिस्थितियों में भी दिन रात नगर की चिंता की है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुँचाया है। सभी का सम्मान के साथ सेवी भावी कुशल नेतृत्व उत्कृष्ट कार्यों की जितनी प्रशंसा की जावे वह कम है। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी, पूर्व नपा उपाध्यक्ष अनिल सोनी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष होशियार सिंह ठाकुर, लेखपाल बद्री प्रसाद शर्मा ने भी सीएमओ हरिशंकर वर्मा के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि शासकीय सेवा में स्थानांतरण प्रक्रिया है। इसमें नए स्थान जाने पर सीखने का मौका मिलता, शासकीय सेवा का नियम ही है स्थानांतरण, तो ये समय आपके स्थानांतरण की खुशी को मनाने का भी है। आपके साथ 3 साल 3 माह के लंबे समय तक काम करने के बाद आपको विदा करना बहुत ही दुखद है। यद्यपि हम समय और इसकी रणनीतियों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। इस अवसर पर श्रीनिवास तिवारी, संजय चंदेल, कर्नल खान, हरिओम उपाध्याय, राजू कोरी, शुभम जैन, अरविंद चौहान, गोविंद चौहान, दीपक शर्मा, विनोद गौर, अमित शर्मा, घनश्याम पाल, धर्मेंद्र ठाकुर, सत्यम शिल्पी, मयंक शर्मा, अशोक कुरेशी, मीरान खान, राजा राम, गौरी शंकर, कछेदी लाल यादव, कमल साहू, राजकुमार यादव, अजय टांग, रामगुलाम ठाकुर, फूलचंद विश्वकर्मा, लीलाधर कहार, संतोष गौर, अलीम खान, रिजवान परवीन, रेखा दिवाकर, मुन्ना पाल, आविद खान, फरजन अली, मुंबर अली, दुलीचंद पथरोला आदि की उपस्थित रही। रायसेन संवाददाता ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। ट्रांसफर 3 मार्च 2020 को मैंने प्रार्थना किया गया था। उस समय मुझे प्रदेश में कोरोना काल का समय चल रहा था। मुझे ज्वाइन करने के तत्काल बाद ही कोरोना की जो महाबीमारी हमारा आया था, उस समय इस क्षेत्र के विधायक माननीय श्री शर्मा जी एवं नगर के मंडल अध्यक्ष श्री संकल्प श्रीवास्तव जी एवं उपाध्यक्ष मणिपाल जी एवं सुरेंद्र तिवारी जी, अनिल सोनी जी एवं कांग्रेस से सभी दलों के राजनीतिक लोगों द्वारा मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। ये खुशी की देन है कि मैंने आज 3 माह का समय निर्विवाद नगर परिषद बाड़ी में गुजारा है। सभी का सहयोग प्राप्त हुआ और सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरा जो साधन की जो प्रक्रिया के तहत आज स्थानांतरण हुआ है, उसके लिए मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे भी बरेली नगर पालिका में भी आप लोगों का सभी का सहयोग प्रदान करें। साधन के जो निर्देश है उनकी योजनाओं का जो है संचालन कर रहा हूँ, नगर विकास का सहयोग कर रहा हूँ। सम्मान करने की विदाई तो हम अपने मन से थोड़ी विदा कर रहे हैं। ये तो हमारा एक भाई प्रशासनिक व्यवस्था है, वो क्या ही कहा है। पंचायत में हमेशा सबके सुख दुख में शामिल रहने वाले हमारे कर्नल भाई संजय चंदेल जी, सुंदर भैया और पूरे नगर की स्वच्छता में जिनका सबसे अधिक योगदान है, मोदी जी के सपने को साकार करने में लगे रहते हैं कभी न।
थे हमारे सम्मान शिवराज जी, यहाँ की व्यवस्था में लगे हुए भाई बद्री शर्मा जी, उपस्थित सभी महानुभाव। मैं सीएमओ साहब के बारे में बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ज्यादा कहूँगा तो अभी जन भी होगी, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ कि अभी पिछले दिनों मेरे पेड़ तो उनका हमेशा नगर के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी अपना योगदान दिया, लेकिन पिछले दिनों हमारे वार्ड नंबर 9 में जब यहाँ खेड़ापति माई के मंदिर पर यज्ञ होना था तो मैंने संक्षेप में थोड़ा सा निवेदन किया उनसे और मैंने कहा कि यहाँ की थोड़ी व्यवस्था है, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे खुशी तब हुई जब मैंने देखा कि माननीय वहाँ व्यवस्था तो कर ही रहे थे, लेकिन वहाँ पे यज्ञ के यजमान भी बने थे, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। ऐसे सबके सद्भाव की जो सबके कल्याण की जो भावना है वो है।